खुदा सिर्फ हमसे बंदगी चाहता है कि मैं तुमसे सिर्फ बंदगी मांग रहा हूँ, बंदे बनो, चाहे कुछ भी करो, पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, काम करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बढ़ाई बनो, मोची बनो, कुछ भी बनो, ऐसे क्या तवज्जो चाहिए, तवज्जो। इस्फहान का मोची के एक आलिम दीन ने वजीफा किया कि इमाम ज़माना कहाँ है, तो उसने देखा, इशारा दिया गया, देखा तो वो एक मोची के बराबर में बैठे हुए हैं। अब वो इमाम अपनी नालैन मुबारक उसको दे रहे हैं कि इसको सही कर दो, और वो कह रहा है कि अभी मैंने किसी और को वादा दिया हुआ है, मैं पहले उसका काम कर लूं। अब वो आलिम वहाँ से खड़ा होकर कि इसको पता ही नहीं है कि ये कौन है इनके बराबर में, अब इसको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। इमाम ने उसको वहीं इशारे से रोक दिया, जब दोबारा दिया फिर उसने ये कहा, तो उसकी हालत में चेहरे पर इस्तराब आया, तो मोची ने उसकी तरफ देखा कि मैं जानता हूँ इमाम है, लेकिन वादा किसी और को दिया हुआ है। तो इमाम खुद फरमाते हैं, इस जैसे हो जाओ, वजीफा करने की जरूरत नहीं, हम कहाँ हैं, हम खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। खुद इंसान अपने आमाल को ऐसा कर ले जाने मोहतरम कि इमाम इंतखाब करे हमारा। कमाल तो यही है ना, करबला का दर्स क्या है, शबे जुम्मा है, शबे ज़ियारत है, सईद शोदा है, हमारे दिल आज करबला होने चाहिए, रूह करबला होनी चाहिए। जाने मोहतरम करबला का दर्स क्या है, इमाम ने इंतखाब किया है। लोग तो मानते थे इमाम को, बहुत सारे लोग इमाम को मानते थे, मगर इमाम ने इंतखाब किया है, मेरे साथ कौन जाएगा। तो अपने आप को इस काबिल करें कि इमाम इंतखाब करे। वो कैसे करेगा पहला स्टेप वाजिबात, इंसान अपने वाजिबात अदा करे। दूसरा स्टेप, इंसान हराम से दूर रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप मुस्तहबात में इजाफा करेंगे तो खुद ब खुद आपका लेवल बढ़ता चला जाए। एक आदमी अपने वाजिबात ही पूरे नहीं कर रहा, एक आदमी अपने घर में ही सही नहीं है, एक खातून जो है वो अपने शोहर का एहतराम नहीं करती और फिर मुसल्ले में बैठकर तस्बीहें पढ़ती रहे, मफाती जना इतनी पड़े कि उसके ऊपर जो है वो कागज़ ही फट जाए, तो कहाँ मामला खुलने वाला है। मामला नहीं खुलने वाला, इस्लाम पूरा पैकेज है। इस्लाम सिर्फ एक पैकेज नहीं है कि आप मस्जिद में बैठे रहें तो आपका काम हो जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। शख्स जो है वो सदर इस्लाम से कुछ अरसे के बाद, एक आलिम दीन उस जमाने में जो सहाबी थे उनकी खिदमत में कोई शख्स गया और देखा कि भाई एक शख्स है वो घर नहीं आता, हर वक्त मस्जिद में बैठा हुआ है, बस तौबा इस्तगफार और गिरिए और ये, वो घर वाले बेचारे भूखे हैं काम। तो उन्होंने आके उन्होंने कहा कि भाई इसको समझाइए कि घर को देखे, करा नहीं बस आखरत है, कयामत है और ये सब। तो वो सहाबी जो थे बहुत बुजुर्ग थे, उसने जाकर एक सदर इस्लाम का वाकया बताया कि जब शुरू शुरू में मदीना है तो जहर की नमाज, जहरन की नमाज हो रही है, तो कहा कि उस ज़माने में ख़वातीन भी मस्जिद में जाती थी, तो कहा कि हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए तो एक छोटा सा बच्चा नौमौलूद माँ के साथ आया, वो लेकर आई, तो सूरज की ज़ाहिर है जहर की तरफ सूरज अपने जो है वो मूवमेंट कर रहा होता है, तो अभी नमाज अभी दो रकात हुई थी तो सूरज की जो किरणें हैं उस बच्चे के ऊपर पढ़ना शुरू हो गए। जैसे ही पढ़ी बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, गिरिया शुरू कर दिया। रसूल खुदा ने नमाज को तेज़ी से ख़त्म कर दिया बच्चे के रोने की वजह से। यानी इस्लाम ये है। तो फिर साहबी ने कहा कि वो बच्चा जो था वो मैं था उस ज़माने के अंदर। अज़ान मोहतरम, इस्लाम पूरा पैकेज है। घर में कोई राज़ी नहीं है, आप जो है वो लंबी लंबी तस्बीहें पढ़ रहे हैं, क्या करेंगे इसका। ज़बान में इस्तग़फ़ार है, निगाहें गुनाह से रुक नहीं रही हैं, क्या करेंगे आप। ज़िक्र तो वो है कि जो पूरे वजूद से हो, ना सिर्फ तस्बीह के दाने फेरने से हो। तभी है कि हम अब लोग हमारे यहाँ माशाल्लाह ज़ियारत पे भी जाते हैं, ख़वातीन भी ज़ियारत पे जाती हैं, सारे काम करती हैं, मगर फिर वापस आ गए वही स्टोरी है, इससे नाराज़गी उससे नाराज़गी, इससे बुग्स इससे कीना, इसकी बुराइयाँ उसकी बुराइयाँ, ये हमारे यहाँ नॉर्मल है। ये तो आदमी कहते हैं किसकी ज़ियारत करने गई थी, ये क्या ज़ियारत करने गई। खुद एक तबका तो वह वहाँ जाके चादर पहनता, जहाज में उतरते उतार देता है, वो चले ठीक है, हम कहते आहिस्ता आहिस्ता हिजाब पे आ ही जाएगा। लेकिन असल तो देखें, असल ये कि जा किसके पास रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं आप, दिखाने के लिए जा रहे हैं, फैशन है बताने के लिए जा रहे हैं, नहीं अपने आप को उनकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। और जो पेश करना है तो अज़ान मोहतरम वहीं से आना है। वो दिलों के मालिक हैं, वो तब्दील कर देते हैं, लेकिन कुछ उसके लिए अपनी तरफ से भी तो प्लेटफॉर्म फराहम करना चाहिए कि नहीं चाहिए।